नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज़। बरेली की आवाज़ एक बार फिर लेकर आया है घर की महिलाओं के लिए, ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए एक बहुत ही शानदार प्यारा सा इवेंट। इवेंट का नाम है कुकिंग का कारवा। एक बार फिर शुरू हो चुका है कुकिंग का कारवा सीज़न 3। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, और आप देख रहे हैं बरेली की आवाज़। और आज कुकिंग का कारवा में हमारे साथ मौजूद हैं सुमन मैम, यानी सुमन यादव जी हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और आज हम उनके घर पर, उनके किचन में हम लोग आ चुके हैं। तो मैम नमस्कार, आपका स्वागत है बरेली की आवाज़ में। आपका भी स्वागत है। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको कुकिंग का कारवा में आज आप बरेली की आवाज़ के साथ जुड़े हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है कि हमें भी अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका शिवम जी ने दिया है। क्या बात है, अपना टैलेंट, यानी कि देखिए आप, घर की हर महिला में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। और जब बात करते हैं हम कुकिंग की, यानी कि स्वाद की, तो बगैर स्वाद के तो ज़िंदगी अधूरी है। अगर खाने में स्वाद ना हो तो फिर खाना खाने का क्या मज़ा, पेट भी अधूरा भरता है। और आज का जो ज़माना चल रहा है मैम, जाहिर सी बात है कि लोग आधे से ज़्यादा, यानी कि 70-80% जो ऑडियंस या दुनिया है, वो फास्ट फूड पर निर्भर हो गई है। लेकिन जब पेट भरने की बात आती है तो हर कोई चाहते हैं, चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, चाहे घर से बाहर रहे, जब तक माँ के हाथ का बना खाना नहीं मिलता तब तक चैन नहीं मिलता, बच्चों का पेट नहीं भरता। तो सुमन जी, आज आप कुकिंग का कारवा में क्या बनाने जा रहे हैं? मैं शाही टोस्ट बनाने जा रही हूँ। वाओ, शाही टोस्ट, यानी कि ब्रेड के टोस्ट बनाएंगे आप। तो इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं आज? मैं इसमें देखिए, चाशनी के लिए चीनी, सबसे पहले ब्रेड का इसमें इस्तेमाल होता है। ब्रेड को हम कटिंग करेंगे, फिर उसको फ्राई करेंगे देसी घी में, उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे, फिर हम दूध को गाढ़ा करेंगे जो एक रबड़ी का रूप ले लेगा, फिर हम उसमें ब्रेड को डीप करेंगे। जब डीप करके वो सोख लेगा, अंदर अपने एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट एक रबड़ी और शाही टोस्ट का रूप ले लेगा। क्या बात है, यानी कि शायद बहुत यमी बनने वाला है आज शाही टोस्ट। तो मैम, कॉम्पिटिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही प्यारा सा है। तो मैम आपकी क्या तैयारी, आइए देखते हैं। अब आप इस साइड आ जाइए, अब आप इधर से ले लेंगे, ठीक है। सो आपकी पूरी रेडी, यानी सारी तैयारियां हैं? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे आपने क्या क्या अरेंज किया? रखी हुई है जिसको मैं अभी साइड से कटिंग करूंगी, और फिर इसको देसी घी में फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं चाशनी बनाऊंगी, चीनी रखी हुई है, चाशनी में डिप करूंगी, और उसके बाद फिर मैं दूध रखा हुआ है, मैंने दूध को मैं रबड़ी का रूप दे रही हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट से सारा डेकोरेशन करूँगी उसको, कि बच्चों को एक हेल्दी अच्छा भोजन मिले, स्वीट डिश मिले। क्या बात है, ये हेल्दी भी है और स्वीट भी है और बहुत ही पैसे डिश। तो मैम आप शुरू हो जाइए कुकिंग का कारवा। शिवम प्रेम देसी घी प्रेजेंट कर रहा है बरेली के आवाज़ के साथ, और ये बहुत ही प्यारा सा इवेंट है। और यहाँ पर सुमन मैम आज बनाने वाली हैं शाही टोस्ट, और आप देख रहे हैं। जब तक मेरा घी गरम हो रहा है तब तक मैं ब्रेड को स्लाइस कटिंग कर लूँगी। आप देख रहे हैं ये दूध बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉयल किया जा रहा है, जिसको ये एक रबड़ी का रूप देने वाली हैं। और सुमन मैम ब्रेड के स्लाइस कर चुकी हैं और इसको बहुत अच्छे से कट कर रही हैं, बिल्कुल टोस्ट का रूप आ जाएगा। इसको भी हम फेंकते नहीं हैं, ये भी हमारा बाद में यूज़ हो जाता है। जैसे कभी हम कटलेट वगैरह बनाते हैं तो हम उसको ऊपर लगाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी आप इस ब्रेड को क्या करने वाले हैं, इसमें फ्राई? जी, मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। शिवम प्रीमियम देसी घी में ये फ्राई हो रहा है, ब्रेड को पहले फ्राई कर रही मैम धीमी आंच में, स्लो गैस टेम्परेचर पे ये ब्रेड फ्राई हो रही है अभी।
आइए देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो नॉर्मल ब्रेड है ये अपना कलर ब्राउन कर लेगा, तभी हम इसको सोच समझ जाएंगे कि ये सीखने लगा है। देखिए कलर इसका ब्राउन होने लगा है, वाइट से ये ब्राउन हो गई है। साथ में हम अपने दूध का भी ध्यान रखेंगे। और ये सभी ब्रेड के स्लाइस फ्राई हो चुकी हैं देसी घी में। ब्रेड्स को स्लाइस होने के बाद अब तैयारी है चाशनी की, और ये चीनी से अब चाशनी की तैयारी हो रही है। वो कटोरी जो मैंने चीनी ली थी उससे मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ, और थोड़ी सी चीनी मैं दूध में डालूँगी। अब दूध में मैं इलायची डाल दूँगी, आधा दूध पक चुका है। उधर दूध की तैयारी है, इधर चाशनी पक रही है। देखिए चाशनी हम बहुत ज़्यादा पतली वाली नहीं रखेंगे, जिसे जमाना है बस हमको इसको मीठा करना है, इसलिए चाशनी का टेक्सचर जो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। ब्रेड को फ्राई करने के बाद आपने दूध को रबड़ी जैसा बना लिया, और अब इसको डुबोने के डिप करने के बाद इसको आप निकाल रहे हैं। दूध गाढ़ा होने के बाद रबड़ी जैसा बन चुका है, हमने उसमें ब्रेड अपने डाल दिए हैं चाशनी के अंदर डुबो करके। अब हम इसको एक एक करके निकाल रहे हैं। अब ये सारा दूध जो बचा हुआ है ये भी हम इसी में डाल देंगे ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। निकाल इसलिए रहे हैं कि इसके अंदर डला रहेगा तो ये घुल जाएगा, फिर एक एक पीस नहीं खा पाएंगे आप, और ऐसे करके आप एक एक पीस उठा पाएंगे। ये मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे, देखिए बारीक बारीक सारे ड्राई फ्रूट कटे हुए हैं। अब इसे डेकोरेशन किया जा रहा है। अब आप देखिए कैसा लग रहा है ये आप लोगों को। वाओ सो यमी, अब तो बस इसे खाने की देरी है। बहुत ही प्यारा कुकिंग का कारवां घर की मेम साहब। आप देख रहे हैं कि घर की मेम साहब ने कितनी प्यारी सी डिश रेडी कर ली है, और अभी ये बहुत गर्म है। ये वैसे फ्रिज में रख के
और ये हेल्दी भी है, स्वीट भी है, इसे आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, एनी टाइम, यानी कि हेल्दी के साथ टेस्टी है और बहुत ही जल्दी, जैसे आपने देखा बहुत कम समय में ये चीज़ तैयार हो गई। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, पूरी रेसिपी आपको घर बैठे मिल गई है बरेली की आवाज़ शिवम प्रीमियम देसी घी के माध्यम से। एंड सुमन मैम, ज़रूर बनाइएगा और खा के बताइएगा कि मेरी बनाई हुई डिश कैसी लगी। अच्छा मैम, ये आपने कहीं से देखा था या कॉपी किया था? नहीं, या मैं बता रही हूँ, 6th-7th क्लास में पढ़ती थी मैं, तब से साइटोस बनाती थी, लेकिन मैंने इसको दूध का, ये मैंने अपने आप में कहा कि इसे और ज़्यादा यम्मी कैसे बनाया जाए, तो मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए। साई टोस्ट को करने के बाद फिर मैंने दूध को रबड़ी बना करके उसके अंदर डाला, तो देखा कि बच्चे कह रहे वाओ वाओ बहुत मम्मी अच्छा लग रहा है, तो हमने इसको आगे के लिए तैयार कर दिया है। क्या बात है, यानी कि आपने कहीं बचपन से, यानी कि 6th-7th-8th क्लास में, कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है, मैम की खुद की एक रेसिपी है ये। 6th-7th क्लास में जब सिर्फ चीनी की चाशनी में डुबोकर आप ब्रेड खाते थे, शायद मुझे भी याद आ रहा है, शायद हमें भी दादी या मम्मी हम दिया करती थी, लेकिन आज ये जो मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपने ट्विस्ट यानी कि आविष्कार किया, दूध को रबड़ी जैसा टेस्ट बनाकर उसमें इसको ठंडा करिए, फ्रिज में रख करके खाइएगा, देखिए आपको कितना स्वाद आएगा। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुमन जी, आपने जो रेसिपी भी तैयार की है उसको भी हम खा के ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी जो आपने रेसिपी में देसी घी इस्तेमाल किया, वो देसी घी शिवम देसी घी है या फिर कोई आपका अपना पर्सनल? नहीं, मैंने शिवम देसी घी में बनाया है और इसकी महक इतनी अच्छी है कि बाहर बैठे बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी क्या बना रही हो, इतनी खुशबू आ रही है। क्या बात है, तो दोस्तों आप लोग भी अगर शिवम देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि देखिए मैम कह रहे हैं ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घर बैठे होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9219161352, बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस।